जिला हरदा की हरदा विधानसभा में नामांकन के आखिरी दिन हजारों समर्थकों के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर मुकाती और अपने परिजनों के साथ भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूरा हरदा कमल में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आपको बता दें कि यहां से पूर्व में कमल पटेल यह सीट गंवा चुके थे। 5 साल बाद वापस भाजपा समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी हरदा के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पूर्व कमल पटेल ने कहा कि हरदा खिड़किया विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन है। उन्होंने कहा कि हरदा विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया पिछले 5 वर्षों से लगातार थम गया था। पिछले चुनाव में कुछ हमसे भूल हुई, कुछ उनसे भूल हुई और विकास की डोर हाथ से छूट गई, लेकिन इस बार दोनों ही अपनी भूल को सुधार कर विकास के रथ को फिर दौड़ाने के लिए आतुर हैं। मुझे गांव-गांव मतदाताओं का अपार स्नेह मिल रहा है। हमें निश्चित है कि इस चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे और चौथी बार शिवराज के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाएंगे।